फ्रेंड्स देखिए, हम एक मशीन चेक करने के लिए आए हैं जो है H2CE120, जो कि यॉर्क का स्प्लिट टाइप है ये, और स्प्लिट डक्टेबल टाइप है। तो ये 10 टन का अपना मशीन है। तो इसमें देखिए, मैं चेक किया ना, तो एक अपना मोटर चलता है और दूसरा मोटर नहीं चलता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप चेक करते हैं, मान लीजिए कंडक्टर प्रेस करके आप चेक कर रहे हैं ना, तो देखिए एक नहीं चलने का रीज़न क्या है और एक चलने का रीज़न क्या है। देखिए, एक जो है ना मशीन को, एक मोटर को जो है डायरेक्ट अपना पावर सप्लाई जाता है, और दूसरे को डायरेक्ट नहीं जाता है, दूसरे को जाता है यहाँ से। देखिए, सप्लाई तो आता है कंडक्टर से, लेकिन आपको दिख रहा होगा वो, ये देखिए, ये जो है ना ATS स्विच बोलते हैं इसको, एम्बिएंट टेम्परेचर स्विच। जब भी आप जैसे कि मशीन को धुलाई किए या थोड़ा ठंडा है, ठंडा टेम्परेचर है आउटसाइड, आपका जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर ठंडा है, तो ये क्या करेगा कि पास नहीं करेगा, रोक देगा यहीं पे करंट को, जो भी है करंट रुक जाएगा। तो क्या होगा कि ये साइड का जो है मोटर आपका नहीं चलेगा और ये आपका चलेगा। तो एक मोटर चलेगा, जैसे क्या होता है ज़्यादा ठंडियों में अपना दोनों चलेगा तो ज़्यादा ठंडा होता है और मशीन में आइस बनने लगता है। इसलिए ATS होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ATS दिया गया है, ताकि एक चले और ज़्यादा कूलिंग जो है कि जो इसमें लिक्विड है इतना ही बने, ताकि रूम में कूलिंग हो और AC में आइस ना आए इनडोर में। थैंक यू दोस्तों।